मासूम बच्चियों से अश्लीलता करने वाले अधेड़ को पब्लिक ने पुलिस को सौंपा। 40 वर्षीय अधेड़ आरोपी पड़ोस की मासूम बच्चियों को बहला फुसला कर घर में ले जाकर गुप्तांगों से करता था छेड़छाड़। अधेड़ को पकड़कर कोतवाली लाए मासूम बच्चियों के पीड़ित परिवार, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की घटना। इसलिए आए बच्चे बुला के बुला ले रहा था, अभी टांगन पे बैठा कर रहा था, गंदी गंदी हरकत करता था उनके साथ में, नो किसी को मत बताना, नंगी करके करता था, बच्चों के शरीर में हाथ चलाता था, उल्टी सीधी हरकत करता था, जो उसके मन माती थी करता था। फिर कैसे पता पड़ी, बच्चों ने कैसे बताया? बच्चों ने तो बताई जब ये यहाँ से शहर छोड़ कर चला गया था, यहाँ से टीवी देखा बच्चों ने, बताया जाता बच्चे कहानी देख रहे थे, जैसे उस पाई थी कहानी देख के एकदम रो पड़े कि हमारे साथ में हमारा बड़ा पापा ऐसा करता है, मेरी लड़की का बड़ा पापा और इनका ताऊ लगता है। अमृत योजना के खिलाफ फूटा व्यापारियों का गुस्सा। काली नदी मार्ग पर व्यापारियों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। खस्ताहाल सड़कों को लेकर नगर पालिका और जल निगम के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बुलंदशहर उद्योग व्यापार मंडल ने कोरोना काल में व्यापारियों पर किए गए मुकदमे के संबंध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने सरकार से शासन आदेश जारी कर व्यापारियों पर हुए मुकदमे वापस कराने की मांग की। क्या नाम है आपका? उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से बुलंदशहर जिलाध्यक्ष में दीपूगढ़। क्या समस्या लेकर आए डीएम साहब? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की घोषणा की गई थी, जिसका शासनादेश अभी तक कहीं भी नहीं पहुंचा है, जिस कारण पुलिस विभाग द्वारा व्यापारियों का सम्मन जारी कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज यहां पर ज्ञापित करने के लिए आए हैं, जिससे कि उनकी घोषणा के अनुसार व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों की वापसी हेतु शासनादेश शीघ्र जारी किया जाए। हंगामे की भेंट चढ़ी नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग। विपक्ष के सभासदों ने बैठक में जमकर काटा हंगामा। बिना बजट पास हुए स्थगित करनी पड़ी बोर्ड बैठक। बीजेपी विधायक विजेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण फड्डा, अधिशासी अधिकारी जे के आनंद समेत सभी सभासदगण बैठक में रहे मौजूद। पुरानी तहसील रोड स्थित जलकल भवन में आयोजित की गई थी खुर्जा नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग। महिला ने लगाया दरोगा पर शारीरिक शोषण करने का आरोप। महिला का आरोप, दरोगा ने 13 बरस तक बनाए रखे शारीरिक रिश्ते और रिटायरमेंट के समय दरोगा ने छोड़ दिया। 31 दिसंबर को ही आरोपी दरोगा का रिटायरमेंट। महिला के मुताबिक दरोगा की पत्नी का हो चुका देहांत। दरोगा ने महिला को पत्नी का दर्जा देने की बात कहकर बनाए शारीरिक संबंध। बुलंदशहर में तैनात है दरोगा, पुलिस मामले को मान रही संदिग्ध। क्या मामला है? एक दरोगा जी ने मेरे साथ ये दुष्कर्म करके और 8-10 साल से मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब ये सन 2013 से इन्होंने मुझे फांस लिया था अपने जाल में, और जब इसे मेरे साथ रह रहे थे, ये जहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती थी जो वहीं लेके रखते थे, मुझे ले जाके साथ में रखते थे। अब इन्होंने मुझे 6 महीने से मुझसे बात भी करना बंद कर दी है और मुझसे फ़ोन भी नहीं करती है। अगर मैं अभी एप्लीकेशन 2 दे चुकी तो कहते हैं कि मैं जानता नहीं हूँ आपके लिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में रखी हुई, जो इन्होंने मुझसे सन 2013 से बात कर ली वो भी रिकॉर्ड है। अच्छा, शादी वादी का कुछ मसला है? शादी का इन्होंने मुझे मेरा आधार कार्ड बनवाया था, इन्होंने कही थी मेरी बीवी ख़त्म हो गई, अपनी बीवी की जगह तुम्हें दूंगा, इन्होंने मेरा आधार कार्ड बनवा दिया, आधार कार्ड भी मेरे पास है। अच्छा, दरोगा जी का नाम क्या है और कहाँ पर तैनात है वो? ये इनकी इस टाइम पोस्टिंग बुलंद उसमें है, खुर्जा जागीर में, जहांगीरपुर में। हाँ। अच्छा, क्या नाम है? रामपाल सिंह। अच्छा, रिटायर होने वाले हैं क्या? हाँ, रिटायर होने वाले हैं 31 अगस्त को। अच्छा, इस संबंध में शिकायत की है तो साहब के क्या बोल रहे हैं अधिकारी? मैं 6 महीने से उन्हें कॉल कर रही हूँ मगर वो कॉल मेरी रिसीव ही नहीं कर रहा है। मुझे परेशान हो तो ये कदम उठाना पड़ा, अगर वो मेरे लिए न्याय नहीं मिलेगा तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगी। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के लालकुआ निवासी युवक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवक ने बताया कि वह अखबार बांटने का काम करता है। सुबह जब वह अखबार बांटकर वापस घर आया तो उनके चचेरे भाई ने स्कूटी खड़ी करने पर विवाद करते हुए तमंचा निकालकर जानलेवा हमला कर चोटिल कर दिया। शिकायती पत्र देकर युवक ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई, सुबह न्यूज पेपर बांट के घर पे गया हूँ, उन्होंने फौरन ही हमला चालू कर दिया। बाइक खड़े करने के बाद उन्होंने मारपीट चालू करी, पता नहीं क्या चीज मारी, ना तो ब्लड भी बंद नहीं हुआ। किसने मारी? चाचा के लड़कों ने और चाचा ने, चाची भी साथ की। कोई विवाद था?
तीन महीने पहले झगड़ा हुआ था बड़े भाई से, उसके उनके साथ जैसे ही मेरे चाचा लग रहे हैं भागा दौड़ी में, ऐसे ही मैं लग रहा था उनके साथ उस टाइम पे, तो उस बात की खुनस निकालने के लिए अब उन्होंने वारदात दी, दोबारा हमला कराया। बुलंदशहर जिला अस्पताल में डॉक्टरों से अभद्रता और गाली गलौज का मामला, कार्रवाई न होने से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर एक घंटे तक टीकाकरण कार्य बाधित रखा। बीते दिनों अलग अलग समय पर एक पुलिसकर्मी और एक किसान नेता ने जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी से की थी अभद्रता और गाली गलौज। मामले में कार्रवाई न किए जाने से आज डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने हर रोज एक घंटा बढ़ाकर हड़ताल करने की दी चेतावनी। कोई बात ही नहीं है यार, क्या बात है, शराब पीकर घर में रहो अपने। बच्चा बेहोश होगा, तुम पहले तुम ही थे शायद। बैठो बैठो, मेरा बच्चा बेहोश होगा। ये मामला ऐसा है कि पिछले एक सवा महीने में जिला अस्पताल में एक बार तो कांस्टेबल के द्वारा 22 तारीख को हमारे सीनियर डॉक्टर आशीष प्रकाश के द्वारा उसके साथ अभद्रता की गई, जिसकी शिकायत यहाँ के प्रमुख को और जिलाधिकारी महोदय को भी दी गई थी, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी पिछले एक हफ्ते, पिछले 3-4 दिन पहले ही एक किसान यूनियन के नेता द्वारा भी हमारे इमरजेंसी में लाठी लेकर के काफ़ी अभद्रताएँ की गई, गाली गलौज किया गया और कुछ लोगों को मारा पीटा भी गया, जिसके खिलाफ़ भी FIR दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक इन दोनों प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हम लोगों ने 25 तारीख, आज दिनांक 25 तारीख से एक घंटे का हड़ताल किया था, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं की थी, लेकिन आने वाले समय में प्रतिदिन एक घंटा बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारी कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और हमारे सम्मान की रक्षा नहीं की जाती। जाटा विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने खुर्जा नगर पालिका के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। विभिन्न समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। पूर्व में अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त किया था, मांग पूरी न होने से फिर दी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। खुर्जा की अंबेडकर कॉलोनी निवासी जाटा विकास मंच के कार्यकर्ता। पोटरी में मजदूरी करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिजन, जताई हत्या की आशंका। पुलिस के अनुसार मानसिक तनाव में था युवक। पुलिस शुरुआती जांच में युवक द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या किए जाने की मान रही घटना। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन रोड स्थित एक पॉटरी की घटना। क्या घटना हुई थी? घटना, वो काम पर निकलो सुबह और फिर वहाँ से वो काम पर ही रहे, वो आज गए और उसे कुछ खिला दियो, अस्पताल में भर्ती करो, हमें जब उसकी डेथ है ये जब बताई है, हम पहुँचे आज गए तो कैलाश हॉस्पिटल में मृत घोषित कर रखो उन्होंने। क्या बताया डॉक्टर ने, कैसे मौत हुई है? जहर देकर, हमारो कहनो जहर ही दियो हमारे भाई है, हम का डॉक्टर से आ गए। अब ये तो पोल्ट्री के मालिक ने दियो हो, मैनेजर ने दियो, किसी ने भी दियो, अंदर की बात है पोल्ट्री की। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं? कार्रवाई हमने तहरीर दी है, अब मैनेजर को और मालिक को फ़ोन बंद है, जब ऐसे कोई पोल्ट्री को एक भी आदमी नहीं आयो, वहाँ अस्पताल में आयो ना, घर आयो ना, यहाँ आयो ना। 8 साल पहले प्रेम विवाह करने वाली महिला ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पीड़िता ने ससुराल जनों पर लगाया गंभीर आरोप। वीडियो में पीड़िता का दावा, दलित होने के कारण घर में नहीं रखते ससुराली जन। पीड़िता का दावा, 8 साल पहले अदर कास्ट के युवक से किया था प्रेम विवाह। पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। मेरा नाम मोनी है, मैं चौधरीवाड़ा की बहू हूँ। मैंने विक्की सैनी से 8 साल पहले शादी की थी, वो सैनी है, मैं जाटव हूँ। उसके घर वाले इस बात से ऐतराज़ करते हैं, मैं 8 साल से किराए पर रह रही हूँ, वो मुझे ना हिस्सा देते हैं ना वो मुझे अपने घर में रखते हैं। मुझे विक्की सैनी से 3 बच्चे हुए थे, जो 2 बच्चे मेरे ख़त्म हो चुके हैं और एक बेटा जो सही सलामत जिंदा है, वो 4 साल का मेरा बेटा है मेरे पास। वो मुझे ना तो मुझे हिस्सा देते हैं ना मुझे वो घर में रखते हैं। मुझे रात दिन मेरा पति मेरे संग क्लेस करता है, मारपीट करता है। जेठ मुझे हिस्सा नू नहीं देता, कि वो मुझसे बोलता है कि पहले मुझे एक बार खुश कर दे, मैं तुझे जब हिस्सा दे दूँगा।
आए दिन मेरे पर गंदी नीयत रखता है और आज मेरे संग मारपीट करके जाते हैं और मेरे संग दुर्व्यवहार करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत हार चुकी हूँ। मैंने थाने कचहरी में बहुत चक्कर लगा लिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, दो दिन से मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। पुलिस को मैं बहुत कर रही हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी मदद करें। हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, SDM को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े कार्यकर्ता। नगर की समस्याओं को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपना चाहते थे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता। SDM के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज कार्यकर्ताओं ने शुरू किया धरना। कार्यकर्ताओं का दावा, ज्ञापन को लेकर अधिकारियों को कल ही करा दिया गया था अवगत। सूचना के बाद भी SDM के नहीं पहुंचने पर नाराज कार्यकर्ता दे रहे धरना। बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के दनकौर चौराहे पर SDM को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े कार्यकर्ता। पीछे से ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार इको कार, कार सवार दो लोगों की मौके पर मौत। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार, कार में सवार अन्य चार लोग भी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, पंचनामे की कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाहजहाँपुर से दिल्ली जा रहे थे कार सवार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र NH-91 पर हुआ हादसा। न्यूज डेस्क 1024 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।